से आप, मेरा नाम है अरुण प्रोफेसर, ट्रैक इन टेक न्यूज नंबर 107 में आपका स्वागत है। दोस्तों ज्यादा वक्त नहीं जाया करते, सीधा चलते हैं हमारे टेक न्यूज और टेक्नोलॉजी फन फैक्ट की तरफ। सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों हमारे वीडियोस मिलने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर करें। और दोस्तों इस वीडियो का हमारे फीचर्ड कमेंटर है अभिषेक त्रिपाठी। और दोस्तों ऑनर जो है इतने सारे फोन्स लॉन्च कर रहा है, जी हाँ, हर एक या दो हफ्ते में उनके नया फोन लॉन्च हो जाता है, या तो चाइना में या तो इंडिया में। अब उन्होंने लॉन्च कर दिया है, चाइना में लॉन्च किया है ऑनर 7 प्ले। जी हाँ, ये जो फोन है ये एक बजट ऑफरिंग है और आपको इसकी जो प्राइस है सुन के आप बहुत सरप्राइज हो जाएंगे, क्योंकि ये आता है 24 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा, 13 मेगापिक्सल रेयर कैमरा, HD+ 18:9 एस्पेक्ट रेशियो, 5.45 इंच वाली स्क्रीन आती है इसमें, कुछ 3050 mAh की बैटरी है। और दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो है 599 yuan, चाइनीज युआन, इसका मतलब कुछ 6400 रुपये। 6400 में आपको 24 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिलता है, 13 मेगापिक्सल का रेयर कैमरा मिलता है, साथ में 18:9 एस्पेक्ट रेशियो मिलता है, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन दोस्तों याद रखिए, इंडिया में अगले ही हफ्ते ऑनर लॉन्च करने वाला है 7A और 7C, और ये भी बजट स्मार्टफोन्स हैं, तो अगले हफ्ते जब आएंगे तो ज़रूर सब डिटेल्स आपको देंगे। अगर आपको OnePlus 6 खरीदना है तो आपको मालूम है कि Amazon पे May 21st और May 22nd को आपको मिलने वाला है। लेकिन साथ में आपको ये भी पता होगा कि 8 सिटीज़ में इंडिया में ऑल ओवर OnePlus के पॉपअप स्टोर्स आने वाले हैं, जिधर आप खरीद सकेंगे, अगेन May 21st एंड May 22nd को। और अब OnePlus ने अनाउंस किया है कि जो इंडिया में 112 क्रोमा स्टोर्स हैं उधर भी अवेलेबल होंगे OnePlus 6 खरीदने के लिए। मतलब ऑफलाइन मार्केट में अगर आपको खरीदना है तो आप क्रोमा स्टोर से खरीद सकेंगे May 22nd पे। और दोस्तों ये जो क्रोमा है उधर भी आपको कैशबैक ऑफर्स मिलेंगे, HDFC से, ICICI बैंक से, एक्सिस बैंक से, पेटीएम से, तो इन सब से आप, और SBI से भी 2000 का कैशबैक है वो मिलेगा आपको, तो बहुत सारे कैशबैक ऑफर्स भी मिलेंगे आपको क्रोमा स्टोर्स पे। दोस्तों जियो ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स के नाक में दम करके रखा हुआ है। जी हाँ, उन्हें नए नए प्लान्स और ऑफर्स लॉन्च करने पड़ रहे हैं। वैसे ही BSNL ने जियो के साथ कम्पीट करने के लिए एक नया प्लान लॉन्च किया है, डेटा सुनामी ऑफर। जी हाँ, इसमें आपको बहुत अच्छा डेटा मिलता है, लेकिन सिर्फ डेटा ही मिलता है। ये जो डेटा सुनामी ऑफर है BSNL का, उसमें 1.5 GB पर डे मिलता है आपको, 26 दिन की वैलिडिटी है और प्राइस है सिर्फ 98 रुपीज़। लेकिन इसमें एक कैच है, और कैच ये है कि आपको अनलिमिटेड कॉलिंग वगैरह इसमें नहीं मिलता, ये सिर्फ डेटा प्लान है। उनका दूसरा एक प्लान है 118 रुपये का, जिसमें आपको 1 GB डेटा मिलता है लेकिन अनलिमिटेड कॉलिंग मिलती है, तो ओवरऑल ठीक ठाक है। आपको अगर बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए होगा तो आप ये 98 का डेटा सुनामी ऑफर ले सकते हैं BSNL का। लेकिन याद रखिए दोस्तों, BSNL सिर्फ 3G देता है, 4G नहीं। दोस्तों कितने लोगों ने फोर्टनाइट गेम के बारे में सुना हुआ है? आजकल दुनिया भर में सभी लोग सिर्फ फोर्टनाइट ही खेलते हैं, फोर्टनाइट। जी हाँ, आपने सुना नहीं होगा तो सरप्राइजिंग है, क्योंकि सभी चार्ट्स पे नंबर 1 गेमिंग जो है वो है फोर्टनाइट। ये अभी अवेलेबल है विंडोज पे, मैक ओएस पे, PS4, PlayStation 4 पे, Xbox One पे, लेकिन एंड्रॉयड पे नहीं था। और वो जो कंपनी है जिनकी ये फोर्टनाइट गेम है, उन्होंने अब अनाउंस किया है कि समर में वो लॉन्च करने वाले, US के समर में लॉन्च करने वाले हैं एंड्रॉयड के ऊपर फोर्टनाइट, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, ये जो 3 महीने हैं तभी लॉन्च होने वाला है फोर्टनाइट गेम एंड्रॉयड के ऊपर, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और जैसे ही लॉन्च होगा दोस्तों, मैं एक बात कहता हूँ, एंड्रॉयड पे नंबर 1 पे चला जाएगा चार्ट्स पे गेमिंग पे फोर्टनाइट। लेनोवो Z5, कुछ दिनों पहले मैंने कहा था कि ये पहला फोन होने वाला है जिसमें बिल्कुल भी बेजल्स नहीं होने वाले, ऊपर नहीं, नीचे नहीं, आजू बाजू को भी नहीं। ये जो फोन है ये वॉपिंग 95% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ आएगा, इसका मतलब बेजल्स नहीं है, सिर्फ स्क्रीन ही है पूरी। और अब चैन चेंग जो लेनोवो के VP है, उन्होंने एक नई बात कही है, वो भी वर्ल्ड नंबर 1 होने वाला है, 4 TB स्टोरेज होने वाली है लेनोवो Z5 में। जी हाँ, 4 TB स्टोरेज। परसों ही मैंने एक फोन के बारे में कहा था, स्मार्टिसन R1, जिसमें 1 TB स्टोरेज है, और लेनोवो Z5, ये Z5, ये जो फोन है ये आने वाला है 4 TB स्टोरेज के साथ, सोचते रहिए। और दोस्तों कल के ही न्यूज में मैंने कहा था कि Mi 7, Mi 8,
उसके बाद में बैंड थ्री, मी बैंड थ्री, ये सब लॉन्च होने वाले हैं May 31st को। अब ऐसी खबर आ रही है कि मी 7 वो स्किप करने वाले हैं, मी 8 लॉन्च करने वाले हैं, और मी 8 में आने वाला है अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो मी 7 में आने वाला था। इसका मतलब उन्होंने रीनेम कर दिया है मी 7 को मी 8, क्योंकि ये जो सेलिब्रेशन है May 31st को, ये 8th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है। 5000 लोग आने वाले हैं और लॉन्च होने वाला है मी 8 अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। और दोस्तों अभी अभी टेक्नो मोबाइल से, जो एक इंडियन कंपनी तो नहीं है, चाइनीज कंपनी है, ट्रांजिशन होल्डिंग नाम की कंपनी है, उनका ये ब्रांड है टेक्नो मोबाइल्स, वो अब लॉन्च करने वाले हैं मिड रेंज का फोन, जिधर रेडमी नोट 5 प्रो है, असूस जेनफोन मैक्स प्रो M1 है, रियलमी 1 है, वो लॉन्च करने वाला है AI अनेबल्ड मिड रेंज स्मार्टफोन मे के अगले हफ्ते, अगले यानी लास्ट वीक ऑफ मे में। तो दोस्तों ये भी उन्होंने कहा है कि भाई बहुत जबरदस्त स्पेसिफिकेशन होने वाले हैं, और सबसे बड़ी चीज इसका जो सेल्फी कैमरा होने वाला है वो बहुत ही जबरदस्त होगा और AI असिस्टेड होगा, और इसकी प्राइस भी बहुत एग्रेसिव होगी 15000 के नीचे। तो जब आएगा तब जरूर रिव्यू हम करेंगे, लेकिन ये मिड रेंज जो स्पेस है बहुत ही ज्यादा क्राउडेड हो रही है। और दोस्तों अब वक्त हो गया हमारे ट्रैकिंग टेक टेक्नोलॉजी फन फैक्ट का। जी हाँ दोस्तों, गूगल पे हम लोग सर्च करते हैं, दिन में 1 बिलियन से भी ज्यादा सर्चेस होते हैं, लेकिन क्या आपको, इतने सालों से लोग सर्च करते आए हैं, लेकिन आज भी हर रोज जब कोई लोग सर्च करता है तो उसमें से 20% सर्चेस जो होते हैं वो उसके पहले गूगल पे कभी भी नहीं आए हुए होते, मतलब नए सर्चेस होते हैं। सोचिए आज तक बिलियंस नहीं ट्रिलियन सर्चेस हुए हैं, लेकिन अभी भी हर रोज 20% सर्चेस नए होते हैं। और दोस्तों अब वक्त हो गया आज के सवाल का, कोई जवाब तो नहीं है क्योंकि कल मैंने सवाल नहीं पूछा था, लेकिन आज का सवाल मैं आपको पूछता हूँ। amazon.in या amazon.com या फिर amazon का लोगो ले लीजिए, उधर एक येलो एरो होता है, उसका मतलब क्या? चलिए देखते हैं कितने लोगों को आता है। Amazon में उसके नीचे एक येलो एरो होता है, उसका मतलब क्या है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के हमारे ट्रैकिंग टेक न्यूज एपिसोड नंबर 107 में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर दीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक।